अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा अब्बासी और आज हम बात करेंगे आसिम बाजवा पे जो इल्जामात लगाए गए हैं कि उनकी 99 कंपनीज में उनके शेयर मौजूद हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ समीर भाई खिलजी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि इसके मुतल्लिक क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप इस बारे में क्या कहेंगे जो इल्जामात लगाए गए हैं आसिम बाजवा पर? देखें ये तीन बातें। पहली बात कि अभी तक इल्ज़ाम हैं तो इल्ज़ाम पर हम उस तरह से कुछ कह तो नहीं सकते हैं क्योंकि इल्ज़ाम हैं। मैंने वो दूसरी बात यह है कि ये इल्ज़ाम लगाया किसने? किसी गवर्नमेंट ने नहीं, किसी वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, कोई प्राइवेट सी एक है और उन्होंने लगाई है और जिन साफ़ी हजरात ने लगाई है उसकी तीन चार और मामलों में भी वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं जो कि अप्रूव नहीं कर पाए। तो इसीलिए इस मामले को तो मैं मतलब इतनी इम्पोर्टेंस इसी वजह से नहीं तो दे सकता कि बंदा इतना क्रिटिकल या इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर चूंकि जिस बंदे पे लगाया गया उसकी पोजीशन बड़ी क्रिटिकल है और बड़ी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से। सीपैक का हेड है, उस सीपैक का हेड पे इल्ज़ाम लगाना, अब इसको ज़रा सा हम पीछे ले जाते हैं कि ये मैं इसकी बात मान भी लेता और इस पर बड़ा शो भी होता, मगर बैक स्टेज पर ये बात है कि इससे एक डेढ़ महीना पहले एक मेजर है इंडियन, उसने ये इल्जामात सेम वर्ड टू वर्ड यही इल्जामात लगाए थे और सब कुछ वैसे के वैसे कहता है। अब उस इल्जामात को जो एक मेजर रा का एजेंट है और अभी वो एंकर बना है, नाज़रीन को बताता चलूँ कि बीइंग एंकर वो उसने एंट्री मारी है। अब मेजर था, अब इंडियन गवर्नमेंट में जो आर्मी के वैसे बुरे हालात हैं उसको बाई चांस कई पोजिशन मिल गई है तो उसने तो लगाने। अगर ये इल्ज़ाम डायरेक्टली अहमद रानी की तरफ से आता तो मैं इस चीज़ को पढ़ता भी और इस पर काफ़ी सख्त तनकीद। अब मैं कन्फ्यूज इसलिए हूँ कि एक रा एजेंट एक बात करता है और आप उसको वर्ड बाई वर्ड कोड करके और उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, मगर चूंकि लगाए गए तो मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग डिफरेंट फ्राम बाजवा साहब। मैंने समझा कि उस पर सू और करना भी चाहिए क्योंकि एक माहौल बन गया है पूरे पाकिस्तान के अंदर और ये चीज़ एक ट्रेंड बन गया सोशल मीडिया के अंदर, तो इस चीज़ को इसको सू करना चाहिए था, उस पर केस करना चाहिए और ताकि उसका मुंह बंद हो और ये एक आंसर मिले पूरे जितने भी लोगों जितना भी यहाँ पे एक मीडिया कंपेन चलाने वाले हैं उन सब का मुंह बंद कर दिया जाए। अगर आप इस चीज़ को ऐसे ही ग्रे एरिया में छोड़ देंगे तो इससे फिर वो अगर आप ठीक भी हैं तब भी लोग सवाल करेंगे। लेकिन आसिम बाजवा की जानिब से कोई तरदीद नहीं की गई इसकी? नहीं, तरदीद तो ट्वीट के जरिए की गई थी, मगर एज सच मतलब ये छोटी तरदीद तो ना हो, आप इतने बड़े इल्ज़ाम लगें और आप इतने बड़े पोजीशन पे हो और अगर आप ट्वीट के जरिए करें क्यों केस नहीं कर रहे हैं, वजह करना चाहिए। केस उनकी तरफ से फाइल नहीं किया गया, नहीं किया गया तो उस पर यही सवाल हमारा भी होना है कि क्यों नहीं चाहिए, उसको करना चाहिए। और लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में उस तरह से डिफेमेशन केस जो है उसकी सुनवाई नहीं होती। नहीं, ही इज नॉट इन पाकिस्तान, वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है, वो बाहर बैठा हुआ है, बाहर की अदालत में उस पर केस दर्ज कर सकते हैं। कैसे कोई शख्स उठ के बगैर कुछ सबूत के? असल में मैंने भी उसका जो जितना स्टोरी है आर्टिकल सारे पढ़ के मैंने कहा कल परसों, और मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन देखी उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, यानी कि अब मेरा है कि मिरवाइस का डीबारा में घर है और उसका एक ऑफिस है जो वो ओन करता है। अब ये ऑफिस मिसाल के तौर पर मैं किसी ऑफिस में किराए पर रह रहा हूँ और उसमें कह दें कि उसने एफएड के मरकज़ में भी एक ऑफिस ले लिया है, ठीक है, सिर्फ वो एड्रेसेस और जगह के फलां के नाम पे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट अप्लाई मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से सीडीएस से अगर फर्द निकाला जाए और मेरे नाम पे हो उस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके साथ अटैच नहीं है। लेकिन बाजको जो कंपनी है वो तो इनकी इनके भाइयों की है और इनकी बीवी के भी शेयर है उसमें। देखें अब वही तो कह रहा हूँ ना, इट्स समथिंग जो उस तरफ से आया है, दोनों तरफ में कमियां हैं, इल्ज़ाम लगाने वाला और जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है वो भी उसमें भी कमियां हैं और जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसमें भी कमियां हैं। हम बीइंग साफ़ी ये हमारा काम नहीं है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, जो कि मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हम जब तक प्रूफ डबल चेक करने के बाद ना करें तब तक हमें प्रूफ ना मिले, एविडेंस ना हो पास, हमें कोई चीज़ पब्लिश करनी नहीं चाहिए। और इनकेस जो पब्लिश करते हैं और अगले बंदे को अगर लगे कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है तो अगर मुझ पे लगाए जाए तो मैं तो उसको केस के बगैर छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, तो उसको केस करना चाहिए। अब दोनों तरफ से कमियां हैं क्योंकि अगर आप केस नहीं दर्ज करते हैं तो जो एक ट्रेंड बना हुआ है सोशल मीडिया पे जो बदनामी हो रही है
ठीक है, और उस पे होना चाहिए और एक्टिवेट तो होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये सीपैक की वजह से हो रहा है ऐसा, इंडिया की जानिब से उन पे हमला किया जा रहा है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वर्डिंग जो है वो वर्डिंग उसके है नहीं। मैंने कहा था ना, जो मेजर बैठा हुआ है वो उसी मेजर के है, और नामालूम एंकर जो बन चुका है अचानक से उसी की तरफ से लगे हुए उनकी वर्ड्स हैं, और वही वर्ड्स उठा के उसने कोट किए हैं। कोट तो कह रहे वो मेरे हैं, मगर डॉक्यूमेंटेशन जो कुछ उसने कहा है एज इट इज उसने प्रेजेंट किया, मतलब वर्ड टू वर्ड जो वहाँ पे, आप बेशक नाजरीन जाके चेक कर लें, एक जो उसने वीडियो जो क्लिप बनाई है वो चेक कर लें और उसमें देख लें, फिर स्टोरी पढ़ लें, फिर मेरी बात समझ आएगी कि जो उसने कहा और जो स्टोरी में वो सेम 19-20 का फर्क आ सकता है, अदरवाइज देयर इज वन सेम थिंग। लेकिन एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला एक इंसान उसके मिलियंस में डॉलर्स में कैसे असासे जा सकते हैं इतनी कम टाइम में? भाई के, ठीक है, मैं भाई उस चीज को, उनकी वाइफ के भी उसमें शेयर, देखिए मैं इस, हमने नहीं डिसाइड करना, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे था, नहीं हमने नहीं डिसाइड करना। देखिए एक 99, एक तो पहले देखिए, आप जब कोई बिंग साफी, आप क्या काम करते हैं, आप दोनों तरफ से जो पॉइंट्स हैं वो रखेंगे और दोनों तरफ के पॉइंट्स बयान करेंगे। मैं तो आपको बेचूँ बाजवा साहब की को करना चाहिए, अभी तक उसको सू पटिशन दायर कर देनी चाहिए, ताकि उसको अगर वो गलत है तो उसको पता लगने चाहिए, अगली बार को नहीं करेगी इस तरह, ठीक है। मगर अगर वो चुप रहेंगे तो तश्वीशनाक हालत है, हमारे दिल में भी डाउट्स होंगे कि क्या वजह है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मगर उनके भाई 1990s में वो चले गए थे बाहर, वो तब से वहाँ पे हैं और काफ़ी अरसा है। उनके भाई का होना मेरे लिए तो हैरत की बात नहीं है, उनके भाई का होना हो सकता है, मगर स्टार्ट भी करोगे तो जीरो से, आपको कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वो जो इन्होंने जो आर्टिकल में लिखा है वो 2002 के बाद से है, उसका डेटा वर्क है, जो 8-10 साल उसने वहाँ पे काम किया है वो तो उसका डेटा उनके पास नहीं है, जो उसने डेटा प्रिंट किया पुट किया हुआ है वो 2000 के बाद का है, कि 2000 के बाद ये फला फला ले गया है, उसके पहले जो 8-10 साल वो उसके भाई वहाँ पे बाहर थे और वो काम कर रहे थे तो उसका डेटा उनके पास नहीं है, तो 8-10 साल इस मतलब काफ़ी ज़्यादा अरसा है, उसमें बंदा कर सकते हैं। और हमने कई बिलियनियर्स और मिलियनियर्स देखे हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पे दो हाथ से गए हुए, और आप उस चीज़ में तो मैं नहीं पढ़ना तो चाहता। फिर आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पे जो केस है उसको भी आप इसी तरह देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, देर इज अ डिफरेंस क्या डिफरेंस है उनके भी तो डिफरेंस यही केस है। केस तो नवाज शरीफ और एक केस का अगर आप एक पहलू देखेंगे तो वो एक जैसा है। देखें नवाज शरीफ का बेटे पहले से नहीं गए थे वहाँ पे कि वो 10 साल गुजारे थे, और नवाज शरीफ उसके बाद वज़ीर आज़म बना था और 10 साल में वो कमाते रहे हो और 10 साल के बाद उसके एक्सटेंड हुआ हो। नवाज शरीफ के बेटे जब वहाँ जाते थे तो वह पढ़ने के लिए जाते थे, ठीक है, और वहाँ पे रहते थे, और उस टाइम ऑलरेडी जब वो रहते थे तो उस टाइम उन्होंने फ्लैट परचेज किए हुए थे, ठीक है। अब दोनों को ना मिलाएं, दोनों बुरी बात है, अगर उसका काम है वो भी बुरी बात है, अगर बाजवा साहब का काम है वो भी बचें। सब लोगों को आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आओ और आपकी अपनी फैमिली की इन्वेस्टमेंट बाहर हो, दैट्स रॉन्ग। मैं वो नहीं कर, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा बाजवा साहब को, मगर मैं कह रहा हूँ कि प्री एक्टिव मोड पे भी ना जाए अदालत के, कि आपको कुछ पता ना हो। हमारे बहुत से नाजरीन, मैं पहले भी कच करूँ, बेशक नवाज शरीफ के खिलाफ हो, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो, PTI के, आर्मी के, किसी के भी हो, मगर आप ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए, फेसबुक पे, किसी भी जगह कुछ भी करने से पहले एक दफ़ा थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लें। आई एम श्योर कि जितने लोग होंगे उनमें से 99.9% अहमद मुरैन साहब को नहीं जानते जी। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, मगर ये भी किसी को, मैंने कुछ उनके पहले आर्टिकल्स पढ़े हुए जो उन्होंने किए हुए, पर उसमें वो अपने ही आर्टिकल से बैकफुट पे गए हैं। अगर मुझे कोई चैलेंज करना चाहता है तो आई एम श्योर, आई एम रेडी, वो अपने आर्टिकल से बैकफुट पे गए हुए, तो मेरे लिए दोनों एक मशकूक हालत में है। बेशक वो जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो भी, और जिस पे इल्ज़ाम लगा है वो भी, वजह कि जो बंदा उधर बैठा हुआ है वो उसकी वर्डिंग नहीं है, उसकी रिसर्च नहीं है, उसने उठाई हुई है रा के एजेंट के थ्रू ये सारा डेटा उठाया हुआ है, ठीक है। मैं अपने ये यूट्यूब, अगर किसी को है तो कमेंट्स में दे दें, मैं उसको वीडियो भी भिजवा दूँगा। एज इट इज़ जो वर्डिंग उसकी थी और जो कुछ उसने कहा रा एजेंट ने, मेजर जो है उसका, वही कुछ उसने उठाया। अगर इसकी अपनी रिसर्च होती तब मेरी तरीका सोचने का और बोलने का अलग होता, क्योंकि इसने खुद की रिसर्च नहीं है, किसी की बातें थी जो वीडियो में थी वो उठा के वर्डिंग में डाल दी और एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सेंटेंस आगे पीछे कर दिया, अदरवाइज इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। इसलिए मुझे मशकूक लग रही है, अगर वो चीज़ ना होती
ठीक है, तो मैं कभी भी मेरा रवैया दूसरा होता। अब उससे आ जाते हैं कि बाजवा साहब क्यों पटिशन है, ये भी मेरे लिए एक तश्वीशनाक हालत है, मुझे समझ नहीं आती कि पटिशन दर्ज क्यों नहीं कर रहा। और थर्डली हमारे जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, मैं सिर्फ कहता हूँ आई एम नॉट सपोर्ट ऑफ आर्मी। मैं बहुत से चीज़ों में आर्मी की मुखालफत करता हूँ, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, मगर आई कैन नॉट बी दैट ब्लाइंड पर्सन कि अब मुझे कुछ भी मिल जाए, अगर मैं आपके मुखालिफ हूँ, आपके मुखालिफ मुझे कुछ भी मिल जाएगा तो मैं उसका ऑन करूँगा, नहीं, मैं वो चीज़ नहीं। मैं देखूँगा अगर जो आपकी बुराइयाँ हैं मैं उससे उसमें डिस्कस करूँगा, मगर वो रिसर्च करने के बाद, अगर रिसर्च में मुझे कोताही लगती है जो मैंने रिसर्च करने के बाद, हमारी टीम करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये मामला थोड़ा सा बायस इस वजह से कि ये इसकी अपनी फाइंडिंग्स नहीं है, इसकी अपनी रिसर्च नहीं है, एज इट इज़ इसने कॉपी उठा के वहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, मगर मुझे हैरत है बाजवा साहब की तरफ से कि उसने अभी तक पटिशन दायर क्यों नहीं की। लेकिन आप भी समझते कि ये हमारे सहाफ़ी जो भाई हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी एक सवाल है कि आप रॉ के एजेंट, रॉ का जो प्रोपेगेंडा है उसको आप प्रमोट कर रहे हो। देखिए हमारे एक बात मैं करना चाहता हूँ। देखिए अगर आपको बोल टीवी की इंट्री याद हो, एग्जैक्ट के थ्रू एक आर्टिकल छपा था, Nobody cares कि वो जो बंदा जिसने आर्टिकल लिखा था वो है कौन, Nobody cares कि उसके कितने आर्टिकल सच साबित हुए हैं कितने नहीं, को किसी ने पुराने आर्टिकल से उसके नहीं पढ़े, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग टू उसके 90% एंड आई कैन प्रूव इट 90% आर्टिकल उसके झूठ पे मबनी होते थे, मगर उस पर एक्शन लिया गया, तहस नहस कर दिया, हज़ारों लोगों को नौकरियाँ गंवा दी, एक इनकम जो पाकिस्तान को आ रही थी वो अट गई, ठीक है, और हमने खुद एक चीज़ को क्रिटिसाइज करके और उस चीज़ को इतना प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, कि हमारे हाथ से वही चीज़ लेके मैं वो चलेगी इंडिया के पास। आपको पता है मैं ओवरसीज़ का जो आई एम पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम नाउ मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उनके चेयरमैन के साथ मैंने मुलाकात की, तो उस मुलाकात में उसने मुझे कहा है कि जो एग्जैक्ट के साथ हम पाकिस्तानियों ने किया, ठीक है, उसका फ़ायदा इतना हुआ इंडिया को कि अब पहले हमारे दो बंदे आते थे उनके चार, अब हमारे एक बंदा आता है और उनके 10 आते हैं इंडिया, और वह बाहर मुल्क में सेटल हो रहे हैं और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके वह अपने मुल्क में भिजवा रहे हैं। तो ये हमने बेनिफिट किया, सिर्फ क्या कि हमारी अपनी बेनिफिट्स के लिए कुछ चैनल्स लगता था उनको खुद पे भरोसा शायद ना हो तो उन्होंने ये काम किया कि भाई टारगेट कर दिया ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन कि जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक है, मैं कहता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरी भी आर्टिकल छपे, एक नहीं 10 नहीं 50-60 सब छपे में, ठीक है, मगर चिराग तला अंधेरा, हमें कोई नहीं पूछता, मगर कोई जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा है वो उनके लिए बड़े मुकद्दस अल्फाज हो जाते हैं, क्योंकि गोरा छाप रहे हैं अपने बंदे छाप लेते हैं, उसका आर्टिकल छपता है तो कोई नहीं पूछता, भी कोई नहीं है, मगर गोरे का आर्टिकल छप के आप न्यूयॉर्क टाइम्स तो कहते हो न्यूयॉर्क टाइम्स तो ये सच बात है। लेकिन आप नहीं समझते कि वहाँ पे जो डिफेमेशन केस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई ऐसा सहाफी कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो सू कर दिया जाता, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं सू कर रहे, यही तुम इस वजह से वहाँ के सहाफी जो है वो बहुत मोहताद रहते हैं ऐसी खबर देने, वहाँ के सहाफी एक तो ये बंदा वहाँ का सहाफी नहीं है, नहीं उसकी मैं बात नहीं करी, मैं जनरली बात करी जैसे कि आपने अभी बात, नहीं डिफेमेशन, देखिए अगर पाकिस्तान में भी ऐसे सख्त लॉ होंगे तो आप देखें जो हमारे न्यूज चैनल में प्रेजेंट हुआ और जो उसके आर्टिकल में था वो बहुत मुख्तलिफ है, उसने कहा है कि मेरे सोर्स ने ये कहा कि ये इस तरह हो रहा है, अली मोहम्मद किसी का नाम डाल दो वो जो कि पाकिस्तान में है उसने ये कहा, और जान मोहम्मद जो जापान में बैठा हुआ है उसने ये कहा, ये बातें होती रही हैं, उसने कोई भी ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं की जिसमें उसने क्लियर अवेयरनेस शो किया हो कि ये इस लाइक दिस, ठीक है। मैंने जब आर्टिकल पढ़ा तो मुझे आर्टिकल पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद दोबारा दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है, और हमारे मीडिया ने उस आर्टिकल के बेस पे 21 दिन लगातार ऑन ईयर हर 4 शो में से 2 शो सिर्फ इसी पे होते थे, वो क्या इतना बड़ा इशू था, अगर पैसे जनरे ख़राब पैसे लेके भी लोगों का ज़ाया हो रहा था तो बाहर के ममालिक थे ना। आपको पता है कितने लोग उसकी वजह से पाकिस्तानी, किसने इसमें शो किया कि उसकी वजह से कितने लोग के पाकिस्तानी की नौकरी गई है, नहीं मैं बताता हूँ, तकरीबन 340 लोगों की नौकरी गई है जो बड़े अच्छे पोजिशन पे थे, रेवेन्यू जनरेट करके वहाँ से भेज देते हैं, आपने कहा आपका आपको हासिल क्या हुआ, कुछ भी नहीं, आपके मुल्क में जो रेवेन्यू आ रहा था वो ख़त्म हो गया,
आपके मुल्क के जो लड़के वहाँ पढ़ रहे थे जो असली डिग्री के साथ बाहर मुल्क में रहते हैं, चूंकि उसका चैनल एग्जैक्ट था वो भी मशकूक है और उनको बाहर निकाला गया है। ये फ़ायदा दिया आप लोगों ने। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं आप सिर्फ अपने आप को और अपने चैनल को या हमारे अपने शो को नहीं आगे बढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं आपको उससे बलात्ताक होकर ऊपर आके करनी पड़ती हैं कि आप इन चीज़ों को बैकफुट पे रखें अपने मुल्क का सोचते हुए आप चीज़ें। मगर यहाँ पे नफसा नफसी, जो बंदा जिधर है उसने अपने मुल्क का खतर करना है और लगा दिए हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप इनमें से जिसको जिसने जो पोस्टे कर रहे हैं उसमें सोशल मीडिया पर, आप पता कर लें 99.99% लोग इनको पता भी नहीं हो कि ये अहमद नौरानी की अपनी फाइंडिंग ही है, वो मेजर की ज़ुबान है, और बाद में बताएंगे जब उनको पता चलेगा। अब मुझे अब हमारा शो होगा तो एक तो बड़े लोगों ने डराया कि भाई शो नहीं करना, ये होगा तो वो होगा। मुझे नहीं लगता ये शो आपके लिए इतना मैटर करते हैं जितना ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। ठीक है, मैं तो दोनों, हमने दोनों अतराफ रखें, एक का भी दूसरे का भी मशकूक है, दोनों मेरे लिए तो दोनों मशकूक हैं, बिंग जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट मेरे लिए दोनों मशकूक हैं। आपने सू क्यों नहीं किया, उसकी वजह से मुझे बार बार शाह पे हैरत है कि क्यों नहीं किया, मैं वो भी सवाल उठाऊंगा। मगर साथ ही साथ मेरा फर्ज बनता है बिंग जर्नलिस्ट, छोड़ दे पाकिस्तानी को, बिंग जर्नलिस्ट मेरा फर्ज बनता है कि जिस बंदे ने स्टोरी लिखी है क्या उसकी स्टोरी को भी तुम एक दफा एनालिस्ट एज एनालिस्ट उसको देखो तो सही, फोकस तो करूं। तस्वीर का दोनों रुख देखें, दोनों रुख देखने के बाद आप प्रेजेंट करें, बाकी आवाम जाने। वो अगर वो कहते हैं कि नहीं बाजवा साहब को जो है ना वो करना चाहिए तो वो आवाम की राय, अगर वो कहते हैं नहीं इस बंदे की क्रेडिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसकी अपनी फाइंडिंग है नहीं, ये तो रॉ की फाइंडिंग है, तो रॉ की फाइंडिंग पे आप पब्लिश कर रहे हो तो रॉ तो वही फाइंडिंग करेगा उनके। अब मुझे इस मेजर की बात समझ नहीं आ रही, उसकी मोस्ट ऑफ द फाइंडिंग उससे पहले आप उससे कहे कि जब उसने उसका कहा था KF-16 जहाज मैंने गिराया, हमने गिराया, कुलभूषण ने जो है वो दूसरा क्या नाम है जो पायलट था अभिनंदन साहब ने उन्होंने गिराए, फिर जब अमेरिका ने कहा कि नहीं गिरा नहीं है, ठीक है, तो किसी ने ये नहीं देखा कि वो कितने झूठ बोलता है। उसके बाद एक के बाद एक, अगर एक शो हम करें ना तो मैं आपको 12 झूठ उसके पकड़ के दे सकता हूँ जो पिछले एक साल में बोल चुका है, और उसके बाद में वो चीज़ जब आ जाती है तो वो कोई चीज़ नहीं पूछता कि आप 12 दफ़ा तो आप झूठ बोल चुके हो, हम कैसे यकीन करें कि 13वीं दफ़ा जो है आप सच कह रहे हो, और उनकी वर्डिंग आप उठा लेते हो। मैं मानता अगर अहमद नौरानी थोड़ी सी तकलीफ और कर लेते हैं कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने दुबई का जिक्र किया हुआ है, तो दुबई का जिस तरह हम सीडीए के यहाँ पे फर्द जारी होता है तो वही फर्द उसके साथ लगा देते हैं कि ये फर्द है ओरिजिनल, इसको चैलेंज कर। सबूत सबूत सिर्फ ये है, एड्रेसेस है, एड्रेसेस हैं। एक का सबूत दिया है वो भाई, वो तो खुद वो मान रहा है, एक भाई का सबूत दिया है जो उधर अमेरिका में है तो उसके बारे में बात की है, वो तो खुद मान रहा है ना। ठीक है, अब ये चीज उसकी कि वाइफ का उसमें बीच में शेयर्स है कि नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, अगर है तो उसको डेफिनेटली बाजवा साहब को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके शेयर कैसे हैं, और अगर नहीं है ठीक है तो उस पर फाइल पुट अप करनी चाहिए और उस पर केस करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट रिपुटेशन ऑफ बाजवा साहब, ये हमारे मुल्क की रिपुटेशन का सवाल है। तो उसको मैं तो कहता हूँ अगर वो नहीं भी पिटीशन दायर करते, हमारे मुल्क को, हमारी गवर्नमेंट को पिटीशन पुट करनी चाहिए और उस इदारे को भी कोई स्टैंड लेना चाहिए। नहीं, इदारे में भी एक सवाल आता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना करना चाहिए, मगर मैं सिर्फ लोगों से दरख्वास्त ये करता हूँ कि तस्वीर के दोनों रुख को देखा करें और उसके बाद फिर अपने डिसीजन दिया करें। हमने भी वही किया कि दोनों रुख बता दिए जो उनमें है, अगर उनके फाइंडिंग्स हैं कि उनके असासे हैं तो फिर पता लगाना चाहिए कि असासे यहाँ आए कहाँ से, कैसे आए असासे। अगर जज का या किसी जनरल का या किसी पॉलिटिशियन का या किसी डॉक्टर का या किसी पुलिस का या किसी सहाफ़ी का, हमारे कितने सहाफ़ी जो अभी इस टाइम करोड़पति हैं, कहाँ से आए पैसे? हम भी तो सैलरी लेते रहे 12 लाख 14 लाख, तो मुश्किल इस टाइम औने पौने जोड़ के घर नहीं ले पा रहे। ठीक है, और इधर जो है ना फेट में 3-3, 4-4 घर हैं लोग सहाफ़ियों के, कितने तनख्वाह हैं? तो 2.5-3 करोड़ रुपये उनकी तनख्वाह है, कितनी तनख्वाही होती है वो भी देखना चाहिए। हर किसी का हिसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, हर साफ़ी का भी होना चाहिए, जिसके पास अपने औकात से ज़्यादा असासे हैं वो उनका होना चाहिए, अगर किसी जनरल का अपने औकात से ज़्यादा उसके असासे हैं उनके तनख्वाह से ज़्यादा होना चाहिए, किसी जज का है उसका होना चाहिए, किसी पॉलिटिशियन का है उसका होना चाहिए, सबका अक्रॉस द बोर्ड सबका होना चाहिए। क्या वो फिर बाजवा हो या कोई भी हो, मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ कि किसी को नहीं बख्शना चाहिए, मगर
عوام سے یہ درخواست ہے کہ جب آپ کوئی رائے دیتے ہو, کوئی چیز پوسٹ کرتے ہو, بار بار ہزار بار کہہ چکا ہوں, تھوڑی سی تصدیق کر لیا کریں بس. اسی کے ساتھ ہم اجازت لیں گے, ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی اور اب ہم اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.